भारत में 7 और 8 अगस्त की रात लोग खंड छाया युक्त एवं आंशिक चंद्र ग्रहण देख सकेंगे। 7 अगस्त को रात 9:22 पर पीनम्ब्रल चंद्र ग्रहण शुरू होगा और 8 अगस्त को 2:20 पर भोर तक बना रहेगा, जबकि 7 अगस्त को रात 10:55 से आंशिक चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो मध्य रात्रि के बाद 43 तक देखा जाएगा। देश के शीघ्र खगोल विज्ञान संगठन स्पेस इंडिया ने रविवार को एक वक्तव्य जारी कर बताया कि सोमवार की रात 11:51 पर ग्रहण अपने सर्वोच्च प्रभाव में होगा। पीनम्ब्रल चंद्र ग्रहण करीब 5:01 तक और आंशिक चंद्र ग्रहण 1:55 तक बना रहेगा। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में आंशिक चंद्र ग्रहण को इसकी पूर्णता में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमेशा साथ साथ होते हैं तथा सूर्य ग्रहण से 2 सप्ताह पूर्व चंद्र ग्रहण होता है। 7 अगस्त को होने वाला चंद्र ग्रहण 21 अगस्त को होने वाले सूर्य ग्रहण से संबंध बनाए हुए है। चंद्र ग्रहण के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना है और किन बातों को भूलकर भी नहीं करना है वो हम आपको बताते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन बाल और नाखून न काटें। महिलाएं इस दिन सिलाई कढ़ाई का काम न करें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखने की जरूरत है। 3 महीने से ज्यादा गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न निकलें। ग्रहण काल के दौरान किसी भी तरह की पूजा नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें या फिर गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछकर कपड़े बदल लें। चंद्र ग्रहण के दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य न करें। चंद्र ग्रहण काल में स्वस्थ व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। हालांकि गर्भवती, बुजुर्ग और बीमार लोग आराम कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के वक्त शारीरिक संबंध बनाए जाने से पैदा होने वाली संतान में कई तरह की बुराइयां हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFI न्यूज़, हमेशा सच के साथ।